हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट्स के वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, ये वाला टॉपिक है। सो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट टू बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले होता क्या है वो देख लेंगे, फिर अपन उसको उसकी मदद से अपन रूट टू का वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड वो होता है, जो भी वैल्यू लेंगे उसको अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन को पॉइंट लगाना है फर्स्ट स्टेप में। ओके, तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो भी पॉइंट लगाएंगे उसके बाद में अपन को जीरोस लेना है। ओके, सो जीरोस भी जब लेंगे तो वो अपन को पेयर्स में लेना है, पेयर्स इन द सेंस टू टाइम्स, जीरो जीरो टू टाइम्स ऐसा लेना है। सो अभी अपन एक एक करके अपन स्टार्ट करेंगे, सो आपको समझ में आएगा। सो मैं क्या करूंगा, टू, ओके, मुझे टू का रूट फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, पॉइंट लिया हूं स्टेप वन में और मैंने बोला जीरो जीरो ऐसा पेयर में लेना है, और जब ये पेयर में लेंगे तो फोर्थ स्टेप क्या होता है, अपने को जो भी अपन पेयर में ले रहे हैं उसके ऊपर अपन बार लगाना है। ओके, सो इसको बोलते अपन बार। सो इस तरह हमेशा अपन जब भी कोई एक डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे, इसके डिजिट जो भी अपन को आएंगे ऊपर उसके लिए अपन पेयर में लेना है वैल्यू। ओके, सो उसी तरह देखिए, आपको जितने भी डिजिट्स होना है उतने जीरो जीरो टू टाइम्स लेना है, आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट देखिए आपको इसको कैसा करना है, अगर अपन फर्स्ट लिए है टू लिए है, सो इधर भी टू लेना पड़ेगा। सो टू टू ज़ा फोर होता है, बट अपने को परफेक्ट अभी फर्स्ट क्या करना है, अपन को परफेक्ट स्क्वेयर्स में लेना है। तो जैसे कि वन है, वन इंटू वन क्या होएगा, वन इंटू वन वन ही जाएगा। ओके, सो वन इंटू वन क्या होएगा, वन आएगा। सो अपन को टू माइनस वन करने पे अपन को आंसर वन आया इधर। ओके, आंसर वन आया। अभी इधर क्या करेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो भी अपन वन करे इधर वन अपन ऐड करना है, इधर अपन ये है वन ऐड करना है। सो ऐड करने पे वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी अपन दो जीरोस इधर लिए ना, ये दो जीरोस को अपन नीचे लेकर आना है। ओके, अभी अभी अपन को इधर क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि अपन को 100 को अपन को रिड्यूस करना है। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 25, अगर मैं इधर 5 लूंगा, अगर 25 लूंगा तो मुझे 5 से करना है फिर से। अगर जो भी नंबर मैं इधर ले रहा हूँ वही नंबर मुझे इधर भी तो मल्टीप्लाई करना है। देखिए अपन पहले भी 1 लिए, इधर भी 1 ही लिए, तो सेम नंबर से आपको लेना है। अगर मैं 25 लूंगा तो 25 फाइव जा क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 होगा। सो 2 क्या रही, 5 2 जा 10, सो प्लस 2 दैट इज 125। अभी अपन को 100 से बढ़कर 125 है, सो ये नंबर अपन को हेल्प नहीं होता। सो अभी अपन क्या करेंगे, अगर मैं 24 लूंगा, इधर भी 4 ले रहा हूँ इधर भी 4 ले रहा हूँ, सो 24 करूंगा, 4 4 जा 16 होएगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 दैट इज 9, सो 9600 से लेस है ना। सो अभी अपन 24 ले सकते हैं। सो अभी अपन क्या करेंगे, इधर 24 लेना है और मैं इधर क्या करूंगा, 96 लेऊंगा। क्यों 96 ले रहा हूँ, 24 4 जा मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को 96 आ रहा है, तो मैं उसके लिए मैंने 96 ले रहा हूँ। ओके, सो मुझे क्या बचेंगे, इधर 4 बचेंगे। ओके, सो अभी ये 4 हो गया, सो अभी अपन इधर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अभी अपन क्या करना है, इधर 4 इसको ऐड करना है। सो ऐड करने पे 4 प्लस 4 दैट इज 8, इधर 2 का 2 रहेगा। अभी अपन को नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अभी नेक्स्ट नंबर लेना है तो अपन क्या करना है, 2 जीरोस लेना है फिर से, ताकि एक जीरो नहीं लेना, मैंने बोला ऑलरेडी पेयर्स में लेना है और बार लगाना है उसके नीचे। सो और एक एक फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 400 बनाऊंगा इसको। अगर मैं 400 बनाना वाला 400 बनाऊंगा तो अगर मुझे इससे किस चीज़ को अपन मैंने अगर मल्टीप्लाई करूंगा, अगर एग्जांपल मैं इधर जीरो ले लिया हूँ, सो 280 इंटू जीरो का तो फिर जीरो चाहेंगा। ओके, सो अगर मैं 281 लूंगा, 281 लूंगा, सो मुझे 281 वन जा करेंगे तो 281 ही चाहेंगा। अगर मैं 282 टू जा करूंगा तो मुझे 2 प्लस मेरा नंबर 500 अबाव हो जाएगा, सो मुझे 281 इच करना है अभी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 10 बन जाएगा, ये 1 कैरी करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, सो 10 माइनस 1 दैट इज 9, फिर ये 9 हो जाएगा, ये 9 माइनस 1 8, ये 3 रह जाएंगे, 3 2 में 3 माइनस 2 दैट इज 1,
अभी हो गया है 119। अभी अपन क्या करेंगे, हर एक डेसिमल फाइंड आउट करेंगे। ओके सॉरी, मैंने अभी तक यहाँ पे लिखा नहीं है। वन फर्स्ट अपन क्या करें, वन लिए, सो वन ले लिए पॉइंट। नेक्स्ट में क्या करें, अपन फोर लिए है ना। ओके सो नेक्स्ट में अपन फोर से मल्टीप्लाई किए, फोर। अभी नेक्स्ट अपन क्या करें, इधर वन से मल्टीप्लाई करें तो वन। मैंने पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि पहले तो वन से वन करेंगे तो वन आया, फिर उसके बाद में पॉइंट लगा कर इधर भी पॉइंट लगाया, दो डेसिमल्स लिया। ओके सो 1.41 हो गया अभी तक। अभी नेक्स्ट अपन को ये डेसिमल फाइंड आउट करना है। अभी अपन को ये नेक्स्ट डेसिमल के लिए फाइंड आउट करना है, तो अभी अपन इधर जीरो ऐड कर देंगे। ओके सो अभी अपन को बचा गया इधर 281 है, प्लस वन करना है इधर। अपन सेम नंबर को इधर ऐड करना है, जो भी नंबर को अपन इधर मल्टीप्लाई करें सेम नंबर को ऐड करना है। अभी देखिए 282 है। ओके सो क्या नंबर से अपन इधर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अपन को इस वैल्यू आना चाहिए। अगर मैं 285 से करूंगा तो मुझे 5 क्या होगा, 5 5 25 आएगा, 5 2 10 दैट इज 12, 8 5 40 41, 5 5 2 10 फिर 14 आएगा। सो 14,125 आ रहा, बट अपने को 11,900 हो रहा है। सो क्या अपन 20, क्या अपन 4 टाइम्स करेंगे, 2,824 करेंगे तो देखेंगे अपन क्या आएगा। 4 4 16, 2 4 8 प्लस 1 दैट इज 9, 4 3 4 8 32, 4 2 8 प्लस 3 दैट इज 11, सो 11,296। सो ये अपने को परफेक्टली इससे रिड्यूस, इससे छोटा वाला नंबर मिल गया। सो 11,296 जब अपन करेंगे तो अपने को रिमेनिंग वैल्यू जो भी आएगा 4, फिर ये बन जाएगा 9 में से 9 0, ये 8 रह जाएगा, 8 में से 2 गए तो 6, फिर अपने को ये भी 0 ये भी 604 है। अभी अपन 282 को क्या करना है, 282.4 और अपन इधर भी 4 लेना है। ओके 4 लिए है, अभी अपन इसको 4 ऐड करना है, तो अपना नंबर क्या 2828 बन जाएंगे। ओके 2828 बन। अभी अपन को 604 को अगर अपन इसे मल्टीप्लाई कर सकते क्या, नहीं करते, फिर से अपन क्या करना है, फिर से 00 पेयर में लेना है, फिर अपन सेम नंबर को नीचे लेकर आना है। ओके सो क्या हो जाएंगे, 00 हो जाए। ओके 00 हो जाएंगे। अभी ये क्या हो जाएंगे देखो, 28 अपन इसको अभी अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या अपना नंबर आएगा। सो 2 2 4 4 2 4 2 8 16 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 दैट इज 5, 2 8 16, 2 2 4 5। सो देखिए 56,564 आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली नज़दीक है। ओके सो अभी अपन क्या करेंगे इधर 2 ऐड करेंगे, सॉरी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू दैट इज अपन करेंगे तो 56 4 करेंगे। ओके सो अभी अपन इधर क्या करें, 2 टाइम्स करें तो मैंने ऊपर भी अपन इधर 2 टाइम्स ले लिए। ओके सो अभी अपन को वैल्यू आएगा फिर से, 0 में से 4 जाएगा तो 6, दैट इज 10 में से 4, इधर 9 में से 6 3, इधर 13 में से 5 जाएगा तो आपको 8 बच जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएंगे, इधर 0। सो अपने को फाइनली वैल्यू आया 3836। अभी अपन ऐसे ही करते जाएंगे तो आपको अपन को नंबर आते जाता है। ओके सो मैं अभी अपन को इधर ही रोक रहा हूँ, क्योंकि अपने को कितने डिजिट्स आ गए अभी, 4142 आए। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। ओके सो नंबर, टोटल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते अपन, पूरे नंबर्स फाइंड आउट ऐसी तरीके अपन को अनलिमिटेड नंबर्स इधर फाइंड आउट होते हैं। ओके सो कुछ एक लिमिटेड नंबर्स नहीं है इसको फाइंड आउट करने के लिए, बस मैंने आपको कुछ समझाया हूँ लॉन्ग डिविजन मेथड होता क्या है, सो उसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बस इस तरह अपन को करना था। ओके सो और भी अगर आपको कुछ सॉल्व करना है, अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको 4 डिजिट 5 डिजिट्स डेसिमल्स करना है आफ्टर पॉइंट के बाद में, तो इस तरह आप प्रोसेस कर सकते हैं। ओके सो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड अपन कितने 4 डेसिमल्स फाइंड आउट किए। सो मैंने इधर ही स्टॉप करूंगा,
ओके सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश किया हूँ इधर। सो इस तरह अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड को अपन सॉल्व करते हैं। इधर क्या है, अपने को ज़्यादातर कुछ लिमिटेड नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको, नंबर्स अनलिमिटेड रहते हैं, उसी के लिए इसका केस अपन को रूट टू रूट थ्री का वैल्यूज अपन क्या करें, इरेशनल नंबर्स बोले। ये क्या स्पेशल केस है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स का केस भी नहीं है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग का भी केस नहीं है। सो दोनों भी नहीं है, ये कुछ स्पेशल केस है, उसके लिए इसको इरेशनल नंबर्स बोले अपन। ओके सो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं बहुत ही क्या हूँ। इस तरह अपन रूट टू का वैल्यू फाइंड आउट करें, और अपन को सभी वैल्यू आप रूट थ्री चाहे रूट फोर कोई भी वैल्यू, सॉरी रूट फाइव, फोर तो परफेक्ट है। सो जो भी नंबर्स है आप लेकर इसको रूट थ्री इसी तरह फाइंड आउट करो, आपको जो भी डिजिट्स आएंगा ये अपन बोलते हैं। ओके सो अप्रॉक्सीमेटली मैंने कैलकुलेट किया रूट टू का वैल्यू 1.4142 सो ऑन। ओके सो मैंने फोर डिजिट्स फाइंड आउट किया आफ्टर डेसिमल के बाद। ओके सो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल। मैंने इससे मैं यहाँ पर ही वीडियो रखूँगा, और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स थैंक यू, अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक करिए, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।